असलम डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर डिस्कसिंग दैक्चर नंबर थर्टीन ऑफ द डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स द कोर्स कोड इज़ सी एस फोर जीरो थ्री आई होप योर कोर्स इज गोइंग वेल एंड यू आर फॉलोइंग द थिंग दट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू पिछले लेक्चर में मैंने ये कोशिश की थी कि हम एग्जा एक एग्जाम्पल ले कर जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है इस कोर्स के अंदर उसको उस पर अप्लाई करें ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि जब भी इफ यू आर गिवन एनवायरनमेंट टू टू इम्प्लीमेंट द डाटा बेस्ड डेवेलपमेंट प्रोसेस तो आप कैसे स्टार्ट लेंगे तो जस्ट गिव यू एन आइडिया तो हमने एक एग्जामिनेशन सिस्टम की एग्जांपल ली थी और उसमें हमने ये किया था कि उसका जो फर्स्ट फेज था यानी जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी स्टडी और इनिशियल स्टडी फेज उससे स्टार्ट किया था हाउ डिड वी स्टार्ट वी स्टार्ट बाई इंटरव्यूइंग डिफरेंट यूजर ग्रुप ऑफ दैट सिस्टम वी interviewed the students the controller the teacher the principal chairman and then we collected different requirements of those people and we also try to understand the working of the system so the system we working here usko hamne graphically explained using dft we use two diagram the context diagram and the level knot diagram

हम ये करेंगे कि हम इन तमाम बिट्स एंड पीसीज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मिला एक अपना कंप्लीट डिजाइन बनाएंगे आज के हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पिछले लेक्चर में हमने दो पीसीज या तो दो हमने जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज इकट्ठे किए थे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और क्रॉस मैट्रिक्स इन दोनों के इस्तेमाल से वी एस्टैब्लिश आवर ईयर डायाग्राम जो कि बनेगा हमारा कॉन्सेपचुअल डाटा बिज डिज़ाइन एंड माइंड इट दिस इज नॉट एन एक्टिविटी दैट यू कैन डू इन जस्ट वन गो दिस इज अ प्रोसेस दैट यूल हैव टू परफॉर्म टाइम एंड टाइम अगेन एक दफ़ा करेंगे उसको एनालिसिस करेंगे फिर दोबारा करेंगे दोबारा करेंगे और ख़ास तौर पर बड़े सिस्टम्स के अंदर यू मे नीड टू रिपीट दिस प्रोसेस मैनी टाइम्स तो आइए देखते हैं कि हम अपने सिस्टम के लिए जो 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 ईयर डाइग्राम है वो कैसे डेवलप करते हैं हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमने एंट्री टाइप्स आइडेंटिफाई की थी मैं आपके सामने बारी बारी वो स्क्रीन पे ड्रा करता हूँ और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उनके साथ अटैच करता हूँ मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप जिस वक्त देख रहे हैं वो है आपके सामने एक प्रोग्राम एंट्री टाइप इससे मुराद है कि वो जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है जो एट्रीब्यूट हमने प्रोग्राम के आइडेंटिफाई किए हैं प्रोग्राम एंट्री टाइप के उसमें है कि प्रोग्राम का कोड कोड के ऐसे मुराद है जैसे एम सी एस बी सी एस बी सी ई बी आई टी एम आई टी लाइक दीज आर डिफरेंट प्रोग्राम नेम्स तो चूँकि ये नेम यूनिक हैं तो ये एज ए की के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है इसके अलावा ये कि प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना है मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है क्योंकि एक आपका uh, है अलाउड ड्यूरेशन नॉर्मल अगर आप देखें कि ये लर्ट से कि चार सेमेस्टर लेता है लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका क्या है तो जो जो मैक्स ड्यूरेशन है ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रोग्राम का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है और इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ सेमेस्टर्स कि कुल इसमें कितने सेमेस्टर्स हैं और इसके अलावा यह है कि इस प्रोग्राम का लेवल क्या है लेवल से है आया ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है ग्रेजुएट लेवल का है या कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक और एंटरटाइव नज़र आ रही है स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ हमने जो एट्रबिटर एसोसिएट एट 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 किए हैं उनमें से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट नेम है स्टूडेंट फादर नेम है और इसके अलावा स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है फोन नंबर करंट सेमेस्टर के इस वक्त वो कौन से सेमेस्टर में है इसके अलावा उसका रिजल्ट रिजल्ट से मुराद ये है कि उसका सी जी पी ए अगर इसमें ये आपको नजर आ रहा है यह सी जी पी ए अब यहां पर एक और चीज आप देखिए कि अब यहां एक चीज आपको एट्रीब्यूट नजर आया है स्टूडेंट जी पी ए अब स्टूडेंट जीपीए की जहां तक बात है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिसके बारे में यू हैव टू थिंक क्यों कि अभी तक हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स की बात की है ऑल ऑफ देम यू सिंपली गिव द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड यू कैन मैंशन दोज एट्रीब्यूट अबाउट दैट स्टूडेंट मिसाल के तौर पर इस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट का आपने अगर आप उसकी देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या उसकी आई डी देते हैं तो आप उसका एड्रेस बता सकते हैं इसी तरह फोन नंबर तो अबाउट दीज एट्रीब्यूट यू आर श्योर कि दिस एट्रीब्यूट हैव टू भी एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट एनड्री टाइप लेकिन जो एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट जी पी ए अब जी पी एज ग्रेट पॉइंट एवरेज अब सोचने की बात यह है कि आया ये जो आपका एट्रीब्यूट है क्योंकि एक स्टूडेंट के मल्टीपल सेमेस्टर्स हो सकते हैं इसका मतलब यह हो कि ये जो एट्रीब्यूट है एक बात तो यहाँ से ये जाहिर हो रही है कि ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो ये थोड़ी सी एक आप इसमें यहाँ से एक तो आप थोड़े से इस बारे में कॉशियस ये हो जाए कि यह एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है एक बात दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि जब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि, कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसको होना चाहिए एंटिटी टाइप के साथ Or, what attribute should be associated as an attribute of a relationship? If, in order to know the value of an attribute, you need to know just one entity type, this is the attribute of this entity type. But if you need to know the value of or the reference of two or more things, then that can be the attribute of the relationship. If you attribute, उसमें मल्टीपल एंटीटाइप्स का या मल्टीपल एनडीटीज का रेफरेंस की जरूरत पड़े तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि एक तो ये कि इन दोनों एंटीटाइप्स के दरमियान कोई लिंक है और दूसरी बात है कि जो ये एंट्रीब्यूट है ये उस रिलेशनशिप का एंट्रीब्यूट हो सकता है मिसाल के तौर पे जब हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट जी एक बात तो हम यहाँ से ये कहेंगे क्योंकि स्टूडेंट के मल्टीपल जी हो सकते हैं एक बात दूसरी बात यह कि ग्रेट पॉइंट एवरेज जानने के लिए आपको स्टूडेंट का रेफरेंस देना पड़ेगा और साथ ही उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का रेफरेंस देना पड़ेगा जिस सेमेस्टर का आप जीपी जानना चाहते हैं इसलिए इस एट्रीब्यूट के बारे में एक बात जो कि आप सोच सकते हैं या जिसके बारे में आप थोड़े केयरफुल हो जाएं कि ये जो एट्रीब्यूट है ये ऑल दो ये स्टूडेंट से रिलेटेड तो है लेकिन हम इसको स्टूडेंट एंट्री टाइप के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे इसी तरीके से जैसे कहा गया स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रेड पॉइंट इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में क्या ग्रेड पॉइंट है वंस अगेन द सेम थिंग स्टूडेंट में भी एनरोल्ड इन मैनी सब्जेक्ट्स फर्ज़ करें अगर वो बी सी एस में आर्ट्स सेमेस्टर्स में है, अगर उन्हें एवरेज पाँच सब्जेक्ट्स में एनरोल हो तो फोर्टी प्लस सब्जेक्ट्स में वो एनरोल होगा तो सब्जेक्ट्स का जी पी जो है ये तो ये मल्टी वैल्यूड हो गया सिंगल नहीं हो सकती वैल्यू दूसरी बात इसकी ये हो गई कि इसको जानने के लिए यू नीड टू टेल द स्टूडेंट नेम और द स्टूडेंट आई डी और साथ ही वो सब्जेक्ट भी कि जिसके अंदर यू वॉन्ट टू नो द जी पी ऑफ द स्टूडेंट तो इसलिए इसका मतलब है इसमें यह भी वही अट्रीब्यूट है कि दो के इस चीज़ का कैंडिडेट है कि इस चीज़ को एसोसिएट करना चाहिए एलोकेट करना चाहिए अटैच करना चाहिए रिलेशनशिप के साथ राधर दैन विद द स्टूडेंट एनी टाइप यही सूरत हाल है स्टूडेंट सब्जेक्ट डिटेल कि एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में कितने उसके मिड टर्म में एग्जाम नंबर थे कितने उसके सेशनल um, uh, में थे कितने फाइनल में थे अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट टेल नोइंग द स्टूडेंट आईडी अलोन क्यों कि हर स्टूडेंट जो है अगर कई सब्जेक्ट्स में एनरोल है तो इसी तरह उस हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिटेल है तो फिर वंस अगेन यू नीड टू नो द स्टूडेंट दी या स्टूडेंट का नाम या कुछ भी रेफरेंसूडेंट का रेफरेंस कह दें और साथ ही उस सब्जेक्ट का रेफरेंस भी कि जिस आ, स, आ, सब्जेक्ट के अंदर आप उस स्टूडेंट के मार्क्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो ये तो एक आ, हो गई स्टूडेंट एंट्री टाइप इसके अलावा देखिए आपको अब जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है टीचर टीचर के बारे में कुछ तो उसके जो पर्सनल डाटा है उसमें कि टीचर का जो इस इदारे के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है ज़रा हर टीचर को भी एक आईडी डी एडवोकेट होगा उसको टीचर आईडी डी कह दें या टीचर का रजिस्ट्रेशन नंबर कह लें क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि वैन एवर यू आर एम्प्लॉयड समवेयर तो तमाम स्टाफ को इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी स्टाफ है चाहे वो ऑफिस स्टाफ है चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या चाहे वो कोई भी तरह के स्टाफ मेबर हैं जो भी रेगुलर या विजिटिंग बेसिस पे हैं तो उनको कोई ना कोई आइडिया एलोकेट हो जाता है तो यहाँ हमारे जो टीचर रजिस्ट्रेशन नंबर है इससे रात वही है फिर नेम फादर नेम एड्रेस फोन फिर यहाँ पर टीचर की क्वालिफिकेशन उनका एक्सपीरियंस अब यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में देख लीजिएगा कि एक्सपीरियंस इज वंस अगेन समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए मल्टी वैल्यूड एंट्रीब्यूट अगर वो चाहते हैं कि भाई ये इस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ दे वॉन्ट टू कीप ऑल द डिटेल्स ऑफ हिस्पीस एक्सपीरियंस उसमें फिर ये होगा कि आप उसको मल्टी वैल्यूड करके उसमें ये होगा कि वो किस इदारे में काम किया फिर किस इदारे में काम किया एंड लाइक दैट और इट डिपेंड्स अगर वो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं दैन इट्स ए सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर वकी डिटेल देखना चाहते हैं तमाम एड्रेसेज या उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं उस केस में इट कैन बी यूज एज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसके अलावा टीचर का जो सब ग्रेड है कौन सी ग्रेड में काम कर रहे हैं और टीचर सैलरी उनकी सख्त सैलरी है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात पॉइंट कर दूँ कि अगर आप स्टूडेंट्स के और टीचर्स के एट्रीब्यूट देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएगी कि इनके बहुत से एट्रीब्यूट जो हैं वो कॉमन है स्पेशली द पर्सनल डिटेल्स फॉर एग्जाम्पल बोथ हैव गॉट द नेम्स टू स्टोर इन द डाटा बेस बोथ हैव गॉट फादर नेम एड्रेस फोन नंबर तो यहाँ से अगर आप याद करें आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप तो यहाँ से फॉरन चीज़ आप गेस्ट कर सकते हैं कि हम इन दो इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स की बेस पे जो इनके एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं उनकी बेस पे वी कैन वी कैन एस्टेब्लिश ए सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप और उसमें करेंगे ये कि हम एक एंटी टाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं फर्ज करें कि पर्सन या ह्यूमन बींग और उस ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं उस पर्सन के साथ और फिर जो टीचर की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन है उनका एक्सपीरियंस है दिस विल दिस विल बी द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ द टीचर एनी टाइप और जहाँ तक दूसरी तरफ अगर हम स्टूडेंट की बात करें उसका सीजीपीए है उनका करंट सेमेस्टर है ये तमाम जो एट्रीब्यूट हैं दुड बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली स्टूडेंट। हमारे जो एग्ज़ाम्पल uh, जो सीनारी एग्जाम्पल हमने डाइग्राम ड्रा की है उसमें वी हैवन डन दैट बट जस्ट टू रिमांड यू समथिंग एंड जस्ट टू शो यू अनदर पॉसिबिलिटी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसको यू से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके बाद आपको जो एक और जो इस वक्त एडी टाइम नजर आ रही है ये है कोर्स कोर्स से मुरादा है कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप डिफरेंट जो ऑफर करते हैं या पढ़ते हैं उनके बारे में इसमें आप ये देखिए एक है कोर्स कोड इसमें है कोर्स नेम उसके बाद ये है कि कोर्स प्री रैक्स एक दफ़ा फिर यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एट्रीब्यूट कोर्स प्री रैक्स पहली बात तो यह है कि दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल के एक कोर्स के मल्टीपल प्लेड हो मिसाल के तौर पे हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्ले रेक है वो डेटा स्ट्रक्चर्स भी है और प्रोग्रामिंग uh, uh, भी है लेकिन अगर फर्ज करें अगर डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग पहले से ही है तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपसे कहा जाए कि डाटा स्ट्रक्चर्स और नेटवर्क्स या यूं कहें कि नेटवर्क्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा स्ट्रक्चर्स तो एक बात तो यह है कि

जिस कोर्स का हम प्री रेक्स स्टोर करना चाहते हैं वो भी उसी का टाइप का इंस्टेंस है और जो उसके प्री रेक्स हैं वो भी चूंकि कोर्सेज है तो वो भी उसी के इंस्टेंसेज हैं इसका मतलब है कि वन इंस्टेंस ऑफ दिस टाइप कोर्स विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन और मोर इंस्टेंसिस ऑफ द सेम टाइप तो इसका मतलब यह है कि दिस इज ए रिकर्सिव रिलेशनशिप तो आपके uh, पास दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि इसको आप यू कैन डू इज एज ए मल्टीवेल एट्रीब्यूट और यू कैन डू इट एज ए रिकर्सिव रिलेशनशिप तो अपनी इस जो एग्जाम्पल डाइग्राम है इसमें हम इसको रिप्रजेंट करेंगे एज ए रिकर्सिव रिलेशनशिप इसमें यह है कि कोर्स ऑफर्ड इन कोर्स ऑफर्ड इन से मुराद ये है कि ये कौन से प्रोग्राम में ऑफ़र किया जाता है अब यहाँ से फिर आपको यानी थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए क्योंकि कोर्स ऑफर्ड इन जो है वो ज़हरा इसमें रेफरेंस है किसी प्रोग्राम का एम सी एस बी सी एस एम बी ए बीसी लाइक दैट इसका मतलब तो या किसके साथ होना चाहिए इसके अलावा हमारे पास इस वक्त सामने देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेमेस्टर जो कि इस वक्त हमारा चल रहा है या पैसे गुजर चुके हैं और जैसे मैं आपसे कहा था कि जिसे हम कहते हैं कि सेमेस्टर नेम इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वक्त कौन सा सेमेस्टर है या किसी भी वक्त हम किस सेमेस्टर की बात करते हैं क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी कोई स्टूडेंट एनरोल होता है तो वो एक ख़ास सेमेस्टर में एनरोल होता है लाइक समवन कुड बी एनरोल्ड इन समर 2001 या फॉल 2001 ऐसे ही तो इस तरह से आप सेमेस्टर को आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर नाम से जो सेमेस्टर का है साथ ही जो उसके और एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं सेमेस्टर स्टार्ट डेट और सेमेस्टर एंड डेट यानी ये सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ था डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो इस हमारे जो एक ई आर ER डायग्राम है इसके अंदर जितने इन्वॉल्व मेजर एंटिटी टाइप्स थी उनको हमने देख लिया और जो उनके साथ एट्रीब्यूट्स थे उनको भी देखा और साथ ही आई हैव पॉइंटेड आउट कि किस केस में यू हैव टू बी अबिट कॉन्शियस के ये फॉर श्योर दिस एट्रीब्यूट शुड बी एसोसिएटेड विद द एंटी टाइप और कौन से ऐसे हैं कि अबाउट विच यू हैव टू बी केयरफुल यू हैव टू थिंक क्योंकि जिसमें आपको मल्टीपल एंट्री टाइप्स का रेफरेंस इन्वॉल्व हो जाए तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा और साथ ही इसमें और एक चीज देखिए कि वी ऑल्सो सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और बल्कि इसमें जो मैंने चीज पहले पॉइंट आउट नहीं की वो ये थी कि जैसे हमने कहा था कि सी जी पी ए सी जी पी ए इज समथिंग दैट इज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट या इसी तरह जैसे हम जी पी ए कहा हमने जीपीए समथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर वैल्यूज कैसे उसको हम आगे देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेज के तौर पे हम ये करते हैं कि हम बारी बारी इन डिफरेंट एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि इन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स या क्रॉस रेफरेंस डायग्राम उससे आप देखें कि जो आपने एंटीटाइप्स आइडेंटिफाई कर ली हैं उनमें से कौन कौन सी हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर हम देखें हम देखें कि जैसे हमारे पास प्रोग्राम है और कोर्सेज हैं जाहिर है कि जब आप कोर्सेज ऑफर करते हैं तो वो प्रोग्राम के मुताबिक करते हैं इसका मतलब कि पहले हमारे पास ये इंफॉमेशन ये डाटा होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज़ जो है ऑफर किए जाते हैं प्रोग्राम और कोर्सेज के दरमियान जो है वो लिंक इस्टबलिश किया गया है अब अगर आप इस रिलेशनशिप की कार्डलिटी देखें तो ये प्रोग्राम से कोर्स की तरफ है मैनी और कोर्स से प्रोग्राम की तरफ है वन अब यहां पर आप थोड़े से ये देखिए कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द ऑर्गेनाइजेशन के वट दे वॉन्ट द कर्नैलिटी ऑफ दिप या वो तो आपको कर्नलिटी के बारे में तो नहीं बताएंगे वो आपकी वो आपको अपनी एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि वहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है मिसाल के तौर पर जैसे आप कोर्स को देखें कोर्स की कर्नैलिटी टूवर्ड्स प्रोग्राम वो है वन और वन कंपल्सरी वन कंपल्सरी का मतलब ये है कि जो भी आपने कोर्स अपने डाटा बेस में एंटर किया हुआ है वो लाजमी तौर पे एक प्रोग्राम से लिंक्ड होगा अच्छा इस दो बातें आती हैं एक बात तो ये है कि जब तक कोर्स किसी प्रोग्राम में ऑफर नहीं होता तब तक वो इस के अंदर एंटर नहीं हो सकता एक बात दूसरी बात ये है कि एक कोर्स जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम से लिंक होगा इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि फर्श करें हम बात करते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स की अब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स जो है वो बी को भी ऑफ़र किया जा सकता है या किया जाता है और एम को हो सकता है यही कोर्स है वो एम को भी ऑफ़र किया जाए हो सकता है यही कोर्स जो है बी को भी ऑफर किया जाए तो प्रैक्टिकली कोर्स जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑफ़र हो रहा है अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो इदारा है क्या आया कि वो इस कोर्स को अगर डिफरेंट प्रोग्राम में ऑफर होता है तो वो क्या इसको सेम कोर्स ट्रीट करता है या मुख्तु ट्रीट करता है अगर तो वो ट्रीट करते हैं मुख्तलफ उस केस में तो ये कार्डनलिटी जो है वो वन होगी क्यों? कि फ़र्ज करें अगर डेटाबेस बेस का कोर्स जो है वो ऑफर हो रहा है एम सी एस में तो वो ट्रीट होगा एज एन कोर्स और अगर वो ऑफर हो रहा है जैसे बी सी एस में या एम बी ए में तो वो एक और कोर्स के तौर पर ट्रीट होगा एक और कोर्स के तौर पर ट्रीट होने में दो चीज़ें आती हैं एक चीज़ तो ये है कि उसके कंटेंट्स पर फ़र्क होगा कंटेंट्स में फ़र्क जो है वो या जिस लेवल पे या जिस जितना मटेरियल पढ़ाया जा रहा है उसमें फ़र्क हो सकता है या एक और चीज़ ये है कि अगर फर्ज के कंटेंट्स ऑलमोस्ट सेम भी हैं तो दूसरी बात उसमें यह आ जाती है कि उसका कम अज़ कम कोर्स कोड डिफरेंट होगा तो अगर कोर्स कोड डिफरेंट हो गया कोर्स जो कोर्स कोड जो है अगर हम ये कहें कि ये इसकी आई है ये इसकी की है तो अगर कोर्स कोड डिफरेंट हो गया तो अगर कंटेंट सेम भी होंगे तो डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आ, आपका कोर्स है वो वह मुख्तर होगा चाहे कंटेंट सेम भी हो क्योंकि बिकॉज इट हैज़ गॉट एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इसलिए ये एक अलग से कोर्स ट्रीट होगा मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़ रहे हैं रिफर्स करें बीसीएस में पढ़ रहे हैं सी एस फोर जीरो थ्री डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को अब अगर यही कोर्स ऑफर हो रहा है एम सी एस में हो सकता है ऐसा कोर्स हो सी एस सिक्स ओ नाइन तो इस तरह से वो कंटेंट uh, बेस पे या एटलीस्ट कोर्स बेस पे इसका डिफरेंस हो सकता है हमने जो एग्जांपल ली हुई है इसके अंदर हमने ये रखा हुआ है कि कि हमने इसकी जो कार्डिनलिटी है वो वन ऑप्शनल ली हुई है ऑप्शन से क्या मुदा है ऑप्शन का मतलब ये होगा कि ऐसा कोर्स जो कि अभी किसी भी प्रोग्राम को ऑफर नहीं हुआ वो एग्जिस्ट कर सकता है यानी कोर्स का प्रोग्राम से लिंक होना जरूरी नहीं है ये जस्ट इदारे ने ये सिचुएशन ओपन छोड़ी है कि हम कुछ कोर्सेज के बारे में एंटर कर लेते हैं और बाद में मे बी कि हम देखें कि ये किस प्रोग्राम के लिए प्रॉपरेट है मे बी हम किसी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें बट फॉर नाव फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी डू नॉट वांट टू एसोसिएट दिस कोर्स विद एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम तो इस ऑप्शन को ओपन छोड़ने के लिए कि यू कैन हैव ए कोर्स दैट इज़ नॉट बींग ऑफर्ड इन एनी प्रोग्राम आप इसको वन ऑप्शनल कर दिए अगर दूसरी तरफ देखें प्रोग्राम से कोर्सी साइड पर तो डेफिनेटली इट्स ए क्यों कि एक प्रोग्राम में जाहिर ज़रा बहुत से कोर्सेज होंगे और साथ इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसकी मिनिमम है उसको वन कर दिया हुआ ताकि हम ये कहें कि ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में लाजमी तौर पर कोई ना कोई जो है वो कोर्स ऑफर होगा इस्टेज को जो कार्डिनलिटी है इसकी वो मैनी और वन कर दी गई है इसी तरह अब आप देखें कि हमने कहा था कि जो स्टूडेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एनरोल होता है इसी तरह अगर आप देखें अब स्टूडेंट जो है और प्रोग्राम इनके दरमियान भी रिलेशनशिप है क्यों कि एक स्टूडेंट जो है डेफिनेटली वो किसी न किसी प्रोग्राम में एनरोल होगा यहाँ पर भी अगर आप कार्डिनलिटी देखिए तो स्टूडेंट और प्रोग्राम के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी कार्डिनलिटी है वन टू मैनी प्रोग्राम से स्टूडेंट की तरफ है ज़ाहिर है वो मैनी है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम में बहुत से स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं या वन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम एन टाइप विल बी रिलेटेड विद मैनी ऑफ द स्टूडेंट एन टाइप और फिर एक और चीज़ देखिए कि जो मिनिमम कार्डिनलिटी है इस केस में दैट इज़ बिन शोन एज ज़ीरो फिर वही बात है इट्स अ चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहती है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम ऑफर करें या ऐसा प्रोग्राम को स्टोर करें जिसके आ, साथ कोई भी स्टूडेंट जो एंट्री टाइप है उसका इंस्टेंस लिंक नहीं है या ये कहें ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं है अगेन मतलब इट मे सीम टू यू एज ए इ या फ़नी लेकिन अगेन अगर रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की कि ठीक है हम ऑप्शन ओपन छोड़ते हैं क्या हम ऐसे प्रोग्राम डाल देते हैं उनके बारे में उनका uh, डाटा या उनकी बेसिक चीज़ें डाल देते हैं अभी हमने ऑफर तो नहीं किया बट सु मे बी वी आर गोइंग टू ऑफर दैट तो ये देखिए ये जो एक माइनर सा डिसीजन नज़र आता है अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी सीरियस वेरी हैवी यानी अगर आप यहाँ पे इसको जस्ट जीरो वन कर दें उससे मतलब ये होगा कि लाजमी तौर पे एक प्रोग्राम जो है वो किसी न किसी स्टूडेंट को उसमें एनरोल होना चाहिए लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें स्टूडेंट से प्रोग्राम की तरफ दैट इज बिन डिक्लेयर एज वन कंपल्सरी दो मतलब एक मतलब तो यह है कि स्टूडेंट एंट्री टाइप कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बींग लिंक्ड विद एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम एंट्री टाइप लाजी तौर पर किसी न किसी से लिंक होगा और दूसरी बात है कि एक वक्त में वो जो स्टूडेंट है वो एक ही प्रोग्राम से लिंक्ड होगा इसलिए शुरू किया गया है मिनिमम वन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक जो टेक्निकल बात जो जिस पे आपको ख़ास तौर पे गौर करना पड़ेगा वो है कि कोर्स और सेमेस्टर के दरमियान जो लिंक है इसको अगर आप देखें यानी इसमें ये है कि हमारे पास एक प्रोग्राम में फ़र्ज़ करें हमने कहा कि दसियों कोर्स हैं फर्ज एक प्रोग्राम है बी का प्रोग्राम है उसमें फ़र्ज़ करें कि हमने जो कोर्सेज़ ऑफर हो सकते हैं फ़र्ज़ करें हमने वो लिख दिए हैं पचपन साठ लिख दिए साठ प्रोग्राम लिख दिए जो कि ऑफ़र हो सकते हैं उनमें से फ़र्ज़ करें कि चालीस तो कंपल्सरी हैं और बाकी छः जो हैं उनमें से हम डिफरेंट जो बाकी रह जाते हैं बीस उनमें से कोई से छः ऑफर कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि जो कोर्सेज आपने अपने पास लिस्ट किए हुए हैं कि ये तमाम कोर्सेज हैं जो कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं लेकिन जो कोर्सेज आप ऑफर करते हैं एक सेमेस्टर में उनमें फ़र्क है अब इसलिए जो ये लिंक है स्टूडेंट सेमेस्टर एंटीटी टाइप और कोर्स एंटीटी टाइप के दरमियान ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो हर सेमेस्टर के दौरान बिल्ड होगा यानी इससे मुरादी होगी कि हम एक सेमेस्टर में कौन कौन को से कोर्स ऑफर करते हैं अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि आप देखिए कि इसकी जो कॉर्नैलिटी है वो दोनों साइड से मैनी है यानी मैनी टू मैनी है इसका मतलब क्या है कि एक सेमेस्टर में हम बहुत से कोर्सेज ऑफर करते हैं और इसकी जो मिनिमम कार्नलिटी है वो बंद की गई है और साथ ही दूसरी तरफ हमने कहा कि एक कोर्स जो है वो बहुत से सेमेस्टर्स में ऑफर हो सकता है और माइंडेड यहां पे हमने इसको फिर जो उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी है उसको जीरो कर दिया उसको ऑप्शनल कर दिया क्यों इसलिए कि हमारे पास कोई एक कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने किसी भी सेमेस्टर में ऑफर नहीं किया हुआ अब ये हमारे पास बनता है एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो एक बात मैंने आपको पहले नहीं बताई वो आज आपको बता देता हूं कि जो आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है उसको आप एज एन एंटिटी टाइप भी कंसिडर कर सकते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि बाज बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके पास डायमंड है रिलेशनशिप का उस डायमंड के ऊपर ही उन्होंने एक जो रेक्टेंगल है दैट इज बेसिकली सिंबल ऑफ ऑफ एन एंटिटी टाइप वो भी ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि वो एज एन एंटिटी टाइप भी कंसिडर हो सकता है कौन ओनली ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू एंट्री टाइप्स यहां पर ये वही सिचुएशन है ये हमारा एक रिलेशनशिप है दैट इज़ मैनी टू मैनी बिटवीन द कोर्स एंड द सेमेस्टर अब ये जो आपका जो रिलेशनशिप है इसकी जो प्राइमरी की है वो ऐसे बनेगी कि आप दोनों की प्राइमरी कीज को मिला के इसकी प्राइमरी की बना लेंगे यानी इस रिलेशनशिप की लेकिन साथ ही इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटी टाइप अब क्या होगा कि उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि ये दोनों चीज़ें मिलके यानी जिसको हमें, हमें कहना चाहिए कोर्स ऑफर्ड जिसमें के सेमेस्टर की आईडी भी इन्वॉल्व है जैसे हमने कहा कि समर जीरो थ्री या फॉल जीरो और प्लस कोर्स कि जीरो में सी एस फोर जीरो थ्री ऑफर किया अब सी एस फोर जीरो थ्री जो है वो समर स्प्रिंग जीरो थ्री में भी ऑफर हो सकता है और सी एस फोर जीरो थ्री जो है वो फॉल जीरो थ्री में भी ऑफर हो सकता है तो ये दोनों जो है दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट इंस्टेंसिस ऑफ द कोर्सिस ऑफर्ड रिलेशनशिप या इसको आप एज एंटी टाइप भी कह लें क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये बाकी और चीजों के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है देखिये मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त जो सामने देख रहे हैं अब इसी जो आपका रिलेशनशिप है जिसको मैं कहा है कोर्सिस ऑफर्ड इसका लिंक किया गया है टीचर के साथ टीचर एंटिटी टाइप के साथ इससे क्या मुराद है इससे माता है कि जो यही कोर्स ऑफर्ड है जाहिर है कि उसको कोई ना कोई टीचर पढ़ाएगा भी सही तो इसका पता कि इस रिलेशनशिप की एज जो कि जिसको हम एज एंट्री टाइप कंस्टिडर कर रहे हैं यहाँ पे, उसका रिलेशनशिप है एक और एंट्री टाइप के साथ और यहाँ ने शो किया हुआ है उसको टीचर अब टीचर से जो जो कोर्सेज ऑफर्ड वाली जो हमारी एंट्री टाइप जिसको हम आबाइंदा से कहेंगे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है वन टू मैनी और इसका मतलब क्या है कि एक टीचर जो है वो बहुत से कोर्सेज उसको एलोकेट हो सकते हैं जो कि ऑफर हुए हुए हैं और इसी तरह से जो एक ऑफर्ड कोर्स जाहिर है वो किसी एक टीचर को ही एलोकेट होगा और माइंडेड जब हमने कहा कि कोर्स ऑफर्ड से ट्वेल्ड टीचर तो वहाँ पे कर दिया गया है कंपल्सरी वन इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम जो कोर्स किसी को एलोकेट हो सकता है किसी टीचर को वो एक है इसका मतलब है कि हम इस एनवायरनमेंट के अंदर या इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि एक कोर्स जो है वो एक ही टीचर पढ़ाएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोर्स जो है वो मल्टीपल टीचर्स को एसोसिएट कर दिया गया हो इसलिए यानी ये, ये मैं साथ साथ आपको जो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो इसलिए कि आप जो कर्नलिटी फिक्स कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं और अगर फ़र्ज़ करें हम ये ना करें तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है सिस्टम के ऊपर वो कैसे हो सकती है आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा इसी तरह आगे चलते हैं अब देखें कि जब आपने कोर्स ऑफर कर दिया अब जाहिर है कि जब आपने कोर्स ऑफर किया तो स्टूडेंट जो है इसमें एनरोल होंगे जैसे मैंने आपसे कहा था अपने जब हम सिस्टम को स्टडी कर रहे थे कि हर सेमेस्टर के स्टार्ट पे जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर में एनरोल होंगे अब जब कोर्स ऑफर की बात करते हैं इस एंट्री टाइप की इसके इंस्टेंस में दोनों चीज़ें हैं कोर्स का कोड भी और सेमेस्टर कोड भी इसका मतलब है कि इस सेमेस्टर में फर्ज करें हमने कहा कि स्प्रिंग जीरो स्प्रिंग 2004 में हमने कोर्स डेट से सी एस ऑफर किया अब डिफरेंट स्टूडेंट्स थे हो सकता है मुख्य प्रोग्राम में एनरोल हुए हों या एक ही प्रोग्राम में एनरोल थे वो तमाम जो हैं वो इस सब्जेक्ट में एनरोल हो गए इसका मतलब ये हुआ कि अब इनके दरमियान जो है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया दैट इज और उसकी क्या होनी चाहिए कार्नलिटी जाहिर है मैनी टू मैनी कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत से ऑफर्ड कोर्सेज में एनरोल होगा जहरा कम अज कम, कम दो तीन चार पाँच छः भी हो सकता है और इसी तरह से जो एक कोर्स आप ऑफर करते हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट एनरोल होंगे तो इन दिस वे इट बिकम्स ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिए कि ये जो आपके पास स्टूडेंट और कोर्स ऑफर्ड के दरमियान एक रिलेशनशिप है दिस इज ऑल्सो ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू रिलेशनशिप के बारे में मैं अभी आपसे कहा था कि उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एंट्री टाइप पिछले केस में जब हमने कोर्स ऑफर्ड की बात की थी दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट एज एन एंट्री टाइप क्योंकि उसमें और भी जो रिलेशनशिप थे वो इन्वॉल्व थे मिसाल के तौर पर वो टीचर से भी रिलेटेड था इसी तरह वो स्टूडेंट से भी है जब हम इसकी बात करते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्स ऑफर्ड एंड द स्टूडेंट अब कहने को तो ये भी एक मैन टू मैन रिलेशनशिप है और ज़ाहरा इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ प्लेस कर भी दें एक रेक्टेंगल जो कि रिफ्लेक्टिव है एक एंट्री टाइप का वो गलत नहीं है लेकिन चूँकि इसकी इन्वॉलमेंट या मज़ीद रिलेशनशिप में नहीं होती इसलिए इसको आप करें या ना करें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन उस केस में दिस इज़ रिकमेंडेड अतः दिस इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करें तो अब ये जो हमारे दरम्या हमारे पास जो रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कोर्सेज ऑफर्ड वो एक मैरिड रिलेशनशिप है अब अगर आप देखें जो हमारे पास कोर्सेज ऑफर्ड वाली एंटी टाइप है उसकी प्राइमरी की क्या है उसकी प्राइमरी की है बाय कंबाइनिंग द प्राइमरी कीज ऑफ द सेमेस्टर एंड द कोर्स यानी कोर्स कोड और कोर्स आईडी और साथ ही है सेमेस्टर नेम अब यही जो आपकी एस सच uh, जो प्राइमरी की है जो कि बेसिकली कंपोजिट की है ये और जो स्टूडेंट की आई है जो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन नंबर है ये तीनों मिल दिस बी वंस अगेन एक कम्पोजिट की student, जो कि इस रिलेशनशिप की बिटवीन कोर्सेज ऑफर्ड और स्टूडेंट इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इसकी प्राइमरी की बनेगा ये अब इसके फर्दर एट्रीब्यूट भी होंगे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी तरह अगर आप देखें तो एक और रिलेशनशिप है जो कि है स्टूडेंट और सेमेस्टर के दरमियान इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई इसलिए महसूस हुई कि यू वॉन्ट टू हैव द सेमेस्टर रिजल्ट और द सेमेस्टर जी पी ए स्टूडेंट तो जाहिर है कि आपको इस किस में ये ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें सेमेस्टर और आपका जो स्टूडेंट है वो दोनों इन्वॉल्व हैं देखिए एक बात आप जहन में रखें कि मैं आपको हर स्टेज पे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है वो भी आपको समझाता जा रहा हूँ ताकि आपके पास जो माइंड आपका फिक्स ना हो जाए बल्कि यू नो डिफरेंट ऑप्शन एट ईच स्टेज मिसाल के तौर पर जो सेमेस्टर की जी है एक स्टूडेंट की वो अगर आप चाहें तो एक्सप्लिसिटली यू कैन रिप्रेजेंट एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द सेमेस्टर क्योंकि जरा हर स्टूडेंट का हर सेमेस्टर में एक फाइनल रिजल्ट एक जी पी ए होगी लेकिन साथ ही अगर आप चाहें तो इसको एज ए मल्टी वैल्यूड डिराइव्ड एट्रीब्यूट के तौर पर शो कर सकते हैं विद द स्टूडेंट एंट्री टाइप दोबारा इस पर दो चीजें अप्लाई हो जाएंगी एक तो ये होगा डिराइव्ड दूसरा ये होगा मल्टी वैल्यूड क्यू जिसमें आपसे पहले कहा था कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल सेमेस्टर में एनरोल होगा जब मल्टीपल सेमेस्टर में एनरोल होगा तो जाहिर है उसका हर सेमेस्टर का अपना जो है वो एक होगा एक होगा, एक होगा उसका जी दूसरी तरफ ये है कि वो ड्राइव भी है ड्राइव के सेंस में कि वो आपके जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनसे जो है वो कैलकुलेट होके वो वहां पे स्टोर होगा अब अगर आप फर्ज करें कि कैलकुलेट करके परमानेंटली स्टोर कर देते हैं उसका जी पी एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट तो फिर ये बन जाएगा जस्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दूसरी जरूरत यह है कि आप उसको स्टोर तो ना करें बल्कि जब भी आपको जी पी ए की ज़रूरत पड़े आप जो हमारे पास कोर्सेज ऑफर्ड और स्टूडेंट के दरम्यान जो रिलेशनशिप है या किसी जगह जहाँ पर भी सब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हैं वहाँ से आप उसका रिजल्ट पिक करें और उस पर कैलकुलेशन करके यू कम अप विद ए ग्रेट पॉइंट एवरेज फॉर दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बट जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल हमने क्या किया है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड द सेमेस्टर अगेन इट इज ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप किस तरह से कि एक जो सेमेस्टर है वो बहुत से स्टूडेंट्स का उसमें रिजल्ट होगा इसी तरह जो एक स्टूडेंट है उसका बहुत सेमेस्टर में रिजल्ट होगा फर्स्ट करें जैसे स्टूडेंट है वो अगर बी कर रहा है उसके आठ सेमेस्टर हैं, तो हर सेमेस्टर को उसका रिजल्ट होगा इस तरह से ये इट बिकम्स ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अभी तक जो आपके सामने डायग्राम है इसमें अगर आप ये अब वो आपके सामने पूरी डायग्राम है जिसमें तमाम एंटीटाइप्स जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो तमाम दिखाई गई हैं आपको और इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए इसमें आपको सिर्फ़ जो एंटी टाइप्स हैं उसके एक दो या तीन एट्रीब्यूट दिखाए जा रहे हैं ताकि जो डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स ना हो जाए अब यहाँ पे हमने जो इस वक्त एट्रीब्यूट आपको दिखाए हैं ये वो है कि जो फॉर श्योर दे हैव टू तो बी एसोसिएटेड विद द एंटीटी टाइप्स अब यहाँ पे आप देखेंगे कई चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि हमने रिप्रेजेंट नहीं की हैं मिसाल के तौर पे अगर आप देखें जो हमने सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है वो शो नहीं किया अगर हम सेमेस्टर्स का रिजल्ट देखें तो वो शो नहीं किया और इस तरह सी जी पी आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा आइए देखते हैं कि हमने इन एट्रीब्यूट्स को कहाँ प्लेस करना है सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट का रिजल्ट है उसमें अगर आप देखें वो जाहिर है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हर स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में एनरोल होगा तो उसका हर सब्जेक्ट के ही रिजल्ट होंगे तो जब हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट का हमें सब्जेक्ट की उसकी डिटेल जानने के लिए उसका रिजल्ट जानने के लिए हमें स्टूडेंट की आईडी चाहिए और उस कोर्स की आईडी चाहिए बट माइंड इट नोइंग कोर्स आईडी डी अलोन इज नॉट सफिशेंट कि वो कोर्स तो हर सेमेस्टर में ही ऑफर हो रहा है देखें मसलन एक स्टूडेंट है वो एनरोल हुआ है वो बी सी स्प्रिंग 2001 में एनरोल हुआ है हो सकता है कि डेटाबेस का सब्जेक्ट तो उस सेमेस्टर में भी ऑफर हुआ हो बट डेफिनेटली स्टूडेंट वॉज नॉट एनरोल्ड इन दैट सब्जेक्ट तो उस सब्जेक्ट में तो उसका वो नहीं हो सकता है ना रिजल्ट uh, इसलिए इसका मतलब है कि हमें यह जानने के लिए कि इस स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट में क्या डिटेल है या क्या उसके मार्क्स है वी नीड टू नो बोथ द कोर्स कोड एंड द सेमेस्टर इन विच द कोर्स वॉज ऑफर्ड एंड द स्टूडेंट एनरोल्ड हिमसेल्फ इसका मतलब है कि ये जो तीन चीजें हैं के स्टूडेंट कोड कोर्स का कोड और सेमेस्टर कोड ये तीनों जानेंगे फिर हम बता सकेंगे कि इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है जब ये तीन चीज़ें हमें चाहिए जानने के लिए तो फॉर आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए आई होप आ भी गई होगी कि ये जो तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सब्जेक्ट की डिटेल है दिस शुड बी एसोसिएटेड एज द एट्रीब्यूट ऑफ द एनरोल रिलेशनशिप यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द कोर्सेज ऑफर्ड एंड द स्टूडेंट और जाहिर है कि जैसे पहले मैंने कहा था कि इसकी जो प्राइमरी की है दैट वी हैव कम्पोज बाय कम्बाइनिंग द प्राइमरी कीज ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी टाइप और उसके बाद जो हमारे पास कोर्सेज ऑफर्ड वाली एंट्री टाइप है उनकी प्राइमरी कीज मिला के हमने इसकी प्राइमरी की बनाई हुई है अब इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी जो अपना सब्जेक्ट है उसमें उसका जो मिड टर्म मार्क्स हैं उसके जो सेशनल के मार्क्स हैं और जो उसके फाइनल के मार्क्स हैं और जो उसका ग्रेट पॉइंट बनता है जी ये जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं ये देखिए है, ये अब आपके सामने हाईलाइट करके सिर्फ इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सब एट्रीब्यूट जो हैं, दे हैव बिन एसोसिएटेड विद द एनरोल रिलेशनशिप और आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने इसके साथ क्यों अटैच की है? ये तो हो गया उसका तमाम सब्जेक्ट से जो भी उसने जब इम्त्या दिया उसका डिटेल होगी सब्जेक्ट जी पी आ गई अब अगली चीज ये पैदा होती है कि आया हम इसका जो सेमेस्टर का एक ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो कहाँ स्टोर करेंगे उसके लिए जाहिर है हमने कहा कि हमें चाहिए इस स्टूडेंट का इस सेमेस्टर में जी पी ग्रेड पॉइंट एवरेज जब हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट का इस सेमेस्टर में तो जाहिर है कि ना तो हम कर सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट के साथ क्यों मल्टीपल uh, और ना ही कर सकते हैं के साथ क्यों मल्टीपल स्टूडेंट्स इसलिए यह जो आपका एट्रीब्यूट है वंस अगेन इट विल अपीयर एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द सेमेस्टर तो अब यहां पर क्या होगा कि आप यहाँ पर देखिए कि चूंकि उसका हम कर रहे हैं कि आ, उसका सेमेस्टर ग्रे, का ग्रेट पॉइंट एवरेज जी तो ये यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसका आप दिखाया गया आपको जो जी है वो दिखाया गया एज एन एट्रीब्यूट तो इस तरह से आपके पास एक स्टूडेंट जितने भी सेमेस्टर में एनरोल होगा जितने स्टूडेंट में वो जितने भी सेमेस्टर में वो अपीयर होगा हर सेमेस्टर का जो उसका जी है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाँ साथ ही मतलब फिर वही बात है कि आ, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए तो नहीं कहूँगा बल्कि आपके जहन में दूसरी ऑप्शन ओपन करने के लिए वो ये है कि डेफिनेटली देर इज इज़ अनदर ऑप्शन कि आप इसको एज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट शो कर दें लेकिन साथ ही फिर आपको जहन में रखना चाहिए कि आपको उसके जो सेमेस्टर की है वो भी साथ स्टोर करनी पड़ेगी तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप इसको रिप्रेजेंट uh, करें एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द सेमेस्टर अब देखिए कि यहाँ से अब एक चीज तो हो गई अब एक आपका जहाँ तक सी है जो आपका सी है बिकॉज दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए सिंगल वैल्यू क्योंकि जहरा जब का सी जी है वो तमाम आपके जो सेमेस्टर्स के जी हैं उनकी बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं तो सी जी पी एज़ बिन शोन एज ए सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट विद द स्टूडेंट एंटी टाइप इट्स सेल्फ

कॉन्टेक्स डायग्राम क्रॉस मैट्रिक्स और अब ये ई आर डाइग्राम आप अपनी जो डिज़ाइन है ई आर डाइग्राम का जो आपका ए आ डाटा बेस डिज़ाइन है इस पर कंसनट्रेट कीजिए इसको देखिए इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी रिलेशनशिप्स हैं उनके गर्नेलिटीज़ हैं और उनके जो एट्रीब्यूट्स uh, हैं उस पर गौर कीजिए और साथ ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सबको बारी बारी देखिए यानी आपने हर रिक्वायरमेंट के बारे में आपने ये गौर करना है आया जो ये रिक्वायरमेंट है ये क्या फुलफ़िल हो रही है कैसे हो रही है कैसे सबराज ये है कि हमें इस रिक्वायरमेंट के लिए जो डाटा चाहिए क्या वो सही हालत में सही फॉर्म में मौजूद है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वी वॉन्ट टू तो प्रोड्यूस दी अटेंडेंस शीट हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो फलां जो है ना क्लास के लिए फलां कोर्स के लिए हमें अटेंडेंस सीट चाहिए हम वो हमें कैसे मिलेगी उसका ये होगा आप देखिए अपने अगर डायग्राम को देखें कि आप कहेंगे कि प्रोग्राम प्रोग्राम आपने कह दिया उसके बाद आपने कहा कि कोर्सेज ऑफर्ड यहाँ पे आपके पास होगा कि सेमेस्टर कि इसमें फ्लांस सेमेस्टर है अब आप आपने कहा कोर्सेज ऑफर्ड और सेमेस्टर ये रिलेटेड है किसके साथ स्टूडेंट के साथ तो कोर्सेज ऑफर्ड और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये हो रहा है कि क्योंकि आप नोट कर रहे हैं जो कोर्सेज ऑफर्ड है इसका एक एट्रीब्यूट है कि किस सेमेस्टर में ऑफर हुआ, हुआ हुआ है तो प्रोग्राम और सेमेस्टर का हमें यहाँ से बता चल जाएगा और उसके बाद जब हम यहाँ से इसका जो जो लिंक है स्टूडेंट के साथ उसको जब फॉलो करेंगे तो वहाँ हमें मिल जाएगा कि किस प्रोग्राम में कौन सा स्टूडेंट रोल है दोबारा प्रोग्राम और कोर्स का जो लिंक है वहाँ से मिल जाएगा कि इस प्रोग्राम में का ये कोर्स उसके बाद ये कोर्स ऑफर हो रहा है कौन से सेमेस्टर में हो रहा है यहाँ से आपको मिल गया सेमेस्टर और कोर्स और फिर उसके बाद यहाँ से आप लेंगे कि इस कोर्स ऑफर के साथ जो आपका स्टूडेंट एंट्री टाइप है वो कैसे लिंक्ड है तो इस तरह से आपको मिल जाएगा एक क्लास की में जितने भी स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उनकी लिस्ट फर्ज करें आप चाहते हैं कि हम जो है वो स्टूडेंट का पहले रिजल्ट कंपाइल कैसे करेंगे उसका सिंपल सा वही है कि जिस वक्त टीचर आप को एक रिज़ल्ट देते हैं फर्स्ट एक सब्जेक्ट है उसका उन्होंने लर्ट से के डेढ़ महीने बाद या छः हफ्तों के बाद उन्होंने ले लिया मिड टर्म मिड टर्म के रिजल्ट सबमिट किए एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जो है वो यही कोर्सेज़ ऑफर्ड और स्टूडेंट जो है जो रिलेशनशिप है इसके एट्रीब्यूट्स हैं वही मिड टर्म से और फाइनल मिड टर्म का जो एट्रीब्यूट है एक क्लास के जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं एक कोर्स के जितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उनको खास टीचर पढ़ा रहे हैं उनका तमाम का डाटा आप इस एट्रीब्यूट में एंटर कर देंगे तमाम स्टूडेंट्स का इसी तरह फर्ज करें कि फाइनल एग्जाम से पहले जो टीचर हैं वो आपको दे देते हैं सेशनल के मार्क्स तो आप क्या करेंगे जो ये सेशनल जो एट्रीब्यूट है तमाम स्टूडेंट्स का उसमें इसके मार्क्स एंटर कर देंगे इसी तरह फाइनल के फिर एक प्रोग्राम आप रन करेंगे वो प्रोग्राम जो है वो हर स्टूडेंट का इसी तरीके से उसका उसका मिड टर्म के मार्क्स सेशन के मार्क्स और फाइनल के मार्क्स रहेगा जो फार्मूला अप्लाई करना फार्मूला अप्लाई करेगा और ये जो जी वाला जो आपका एट्रीब्यूट है टू ग्रेड पॉइंट वाला उसमें प्लेस कर देगा अब इसी तरह एक और रिक्वायरमेंट आपकी आप सेमेस्टर आप, uh, का स्टूडेंट कर दें जी तो वो भी सिंपल वही है कि यही जो आपकी एनरोलमेंट uh, वाली फाइल है इस पर स्टूडेंट का रिजल्ट पड़ा हुआ है वहाँ से आप लेंगे तमाम चीज़ें और फिर उस तरह से तमाम सब्जेक्ट्स में उसकी जीपी देखने के बाद जहां से इस कोर्स प्रोग्राम के अंदर हर सब्जेक्ट के क्रेडिट स्टोर हैं कितने क्रेडिट्स हैं एक कोर्स के तो वो वहां से क्रेडिट्स लेंगे और इसी तरह से तमाम सब्जेक्ट्स के जीपी लेके उसका आप जीपीए कैलकुलेट कर देंगे कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने जो अपना डिजाइन किया है इसके अंदर आप जब फर्स्ट टाइम आप जैसे हमने डिजाइन बनाया है डोंट थिंक एज फाइनल नो वंस अगेन गो टू योर रिक्वायरमेंट्स हर रिक्वायरमेंट को बारी बारी देखें कि हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किस जगह हमें क्या डाटा मिलेगा कहाँ से कैसे लिंक से उस जगह जाएंगे कैसे वहाँ से वहाँ मूव करेंगे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है जो हर यूज़र ग्रुप का रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी चाहिए लाजमी तौर पर दैट इज़ द रिक्वायरमेंट दैट इज़ योर सक्सेसफुल डिज़ाइन अगर कोई रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं हो रही इट मीन्स कि योर डिज़ाइन इज़ नॉट करेक्ट चेंज योर डिज़ाइन डिज़ाइन में चाहे नए सिर से दोबारा बनाएं चाहे उसमें कोई मॉडिफिकेशन करें बट डोंट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट डोंट मूव हैड ऑफ दिस पॉइंट अनलेस यू आर श्योर अन योर अनलेस यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपका जो रिजल्ट है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, चेंजेस करें दोबारा बनाएं व्हाट्स एवर जब आपने ये डिज़ाइन बना लिया नाउ दिस इज योर कंसेपचुअल डाटाबिस्ट डिज़ाइन और कंसेपचुअल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वो डिज़ाइन होता है कि जो आपकी किसी भी टूल से इंडिपेंडेंट है टूल तो बहुत दूर की बात है कि जिस डाटा मॉडल में आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये उस डाटा मॉडल से इंडिपेंडेंट है यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ये अपना ईआर आर डिज़ाइन बना लिया हुआ है यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन टू मल्टीपल डाटा मॉडल्स अल्टीमेटली मिसाल के तौर पर इसको आप हर रेकल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑल दो दिस इज नॉट ए गुड चॉइस नाउ नॉर्ड लेकिन ऑप्शन इज देयर आप इसको नेटवर्क में या रिलेशनश मर्जी इंप्लीमेंट कर लें तो अब कंसेप्चुअल डाटा बेस डिजाइन के बाद जो आपका नेक्स्ट फेज है वो है योर लॉजिकल डाटा बेस डिजाइन जो लॉजिकल डाटा बेस डिजाइन है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने जो डाटा बेस डिज़ाइन है उसको उस मॉडल में रिप्रेजेंट करें जिस मॉडल का आपने डी जिस मॉडल का टूल आपने अल्टीमेटली इस्तेमाल करना है और जैसे मैंने ऐसा भी कहा है कि इट कुड बी एनी डाटा मॉडल लेकिन आजकल जो एक हमारा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में जो हैविली इस्तेमाल होता है डाटा मॉडल वो है रिलेशनल डाटा मॉडल इसलिए ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ द टाइम अदर मोर देन नाइन्टी परसेंट ऐसा होता है कि हमारा जो कंसेप्टल डाटाबेस डिज़ाइन है जो कि हमारे पास ई आर डाटा मॉडल में है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटू द रिलेशनल डाटा मॉडल तो अब हमारा जो आ, हमारे लेक्चर का जो जो फोकस है वो पहले दो फेज को डिस्कस करने के बाद अब हमारा फोकस जो है वो जा रहा है लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन के बाद जो कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटी है और चूँकि मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जो लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन है वो होता है रिलेशनल डाटा मॉडल में तो अब हमारा यहां से जो जो इस कोर्स के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में डियर स्टूडेंट्स रिलेशनल डाटा मॉडल जो है वो ज़ाहिर के बेस प्रोवाइड करता है आपके रिलेशनल डी बी एम के ऊपर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एवरी डी बी एम एस इज बेस्ड ऑन ए डाटा मॉडल यानी डी बी एम एस जो है वो स्ट्रक्चर्स वो मैनिपलेशन लैंग्वेज और वो इंटेग्रिटी कंट्रोल्स पेश करता है या इम्प्लीमेंट करता है दैट है डिफाइंड इन द डाटा मॉडल इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है जो डाटा इंडस्ट्री है या कंप्यूटर इंडस्ट्री है उसमें जो रिलेशनल डी बी एम एस हैं यानी वो डी बी एम एस जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल पर बेस करते हैं वो उस वक्त डोमिनट हैं आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन नाइन्टी परसेंट या शायद उससे भी ज़्यादा जो आपके आजकल डिवीए मेसेज हैं वो रिलेशनल है उसकी वजह क्या है उसकी वजह जो है वो है द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल जो रिलेशनल डाटा मॉडल है उसकी दो मेजर स्ट्रेंथ्स हैं एक तो ये है कि इट हैज गॉट ए स्ट्रॉग मैथमेटिकल बैकग्राउंड इट हैज ए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल थेरी एज ऑन इट्स बैक या ये कहें कि ये एक टोटली प्रूवन डाटा मॉडल है इसकी तमाम थीरी जो है बेस करती है मैथमेटिक्स पे और दैट इज वेल प्रूवन और दूसरी बात है इसकी सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी के सेंस में कि इट इज बेस्ड ऑन ए सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज द रिलेशन और टेबल यानी आपने देखा था कि जो हमारे पास ई आर डाटा मॉडल है उसमें हैव गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उसमें फिर कॉन्सेंट्स वगैरह भी थे रिलेशनशिप था एंट्री टाइप एट्रीब्यूट था लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है वो है रिलेशन या टेबल तो ये दो इसकी स्ट्रेंथ क्या के इसका इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और दूसरी बात है इसका मैथमेटिकल फाउंडेशन इसकी जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है वो इसकी स्ट्रेंथ क्यों है वो स्ट्रेंथ इसलिए है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग कि वेदर इट इज लीगल इन मॉडल और नॉट क्या ये चीज रिलेशन डाटा बेस में हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो सिंपली आप उसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लेते हैं आप देख सकते देखते देख लेते हैं क्या ये चीज़ मैथमेटिकली की जा सकती है अगर कोई चीज़ जो मैथमेटिक्स में की जा सकती है रिलेशंस के ऊपर इसका मतलब कि वो चीज़ जो है वो जो रिलेशनल डाटा बेस हैं उनके ऊपर भी की जाती है की जा सकती है इसका मतलब कि देर इज़ अ लिंक देर इज़ अ स्ट्रॉग लिंक बिटवीन द मैथमेटिकल रिलेशन और द डाटा बेस रिलेशन अब ये दोनों में फर्क क्या है ये दोनों हैं क्या इसको जब हम अपने रिलेशन डेटा मॉडल को डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो हमारी पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल स्टार्ट की थी उसको कंक्लूड किया है और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने जो प्रिलिमिनरी स्टडी का फेज है उसमें जो हमने डाटा गैदर करते हैं कैसे हम उसको अल्टीमेटली यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हुए वी कन ट्रांसफॉर्म इट टू आवर फाइनल कंसेपचुअल डाटाबेस डिज़ाइन और माइंड इट कि जो आपका कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन है वो आपका पहला कंप्रीहेंसिव कंप्लीट डिज़ाइन है लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं करते फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट यू हैव टू ट्रांसलेट इट इन टू योर लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और उसके लिए मैंने जैसे आपसे uh, कहा है कि हम आजकल के दौर में ज़्यादातर जो है हम उसके लिए कोई रिलेशनल डी बी एम एस इस्तेमाल करते हैं और रिलेशनल डी बी एम एस का प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी को समझने के लिए यू हैव टू हैव ए वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनल डाटा मॉडल जो कि आज हमने जिसको जस्ट टच किया है अपने आइंदा के कुछ लेक्चर्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगले लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़